सो हेलो गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है हम लोग का फिर से एक नए व्लॉग के अंदर। तो गाइज, सुबह का जो टाइम होता है ना, उसमें किसी का भी उठने का मन नहीं करता, लेकिन किसी को ऑफिस जाना है, किसी को स्कूल जाना है, किसी को अपने बिजनेस पे जाना है, किसी को जिम जाना है, इसलिए उठना पड़ता है भाई। सुबह उठना सबसे अच्छी आदत है। जब से मैं सुबह जल्दी उठने लगा हूँ ना, लाइफ चेंज सी होगी, लेकिन रात को भी टाइम से सोना पड़ता है। तो गाइज, अभी चलेंगे जिम में, जिम में अपना नींबू पानी पी के, और वही जो आपको मैंने ब्लैक कॉफी बताई थी वो भी आप ले सकते हैं। एक दो कमेंट थे मेरे पास में कि भैया नींबू और ब्लैक कॉफी तो ठीक है, और भी कोई चीज है जिससे हम अपनी हंगर को रोक सकते हैं? जब आप फैट लॉस करते हैं तो आपको भूख बहुत ज्यादा लगती है, आप किसी भी कंपनी का एप्पल साइडर विनेगर 10-15 ml जिम करने के बाद ले सकते हैं। तो इसलिए मेरी वीडियो को देखा करो, आपको काफी कुछ चीजें नई सीखने को मिलेंगी जिससे आप अपने फैट लॉस में हेल्प कर पाएंगे। गाइज, एक तो मैं अपनी बुलेट पहले ही साफ नहीं करता, और से एक आधा मैं कपड़ा रखता हूँ छुपा के, बंदे ऐसे हैं कपड़ा भी गायब कर देते, कपड़ा भी चोरी कर लेते, ऐसे बंदे हैं यार। अभी जिम में आगे करेंगे अपना 1.5-2 घंटा आज वर्कआउट। भाई 10 बजे जिम में आने का फायदा ये होता है, देखो पूरी जिम खाली पड़ी रहती है। So कार्डियो अपना डन हो गया है, और अभी घर पे चल के लेंगे। मोटी चर्बी हो रखी है ना, एब्स मारने में भी पूरा चर्बी में दर्द हो रहा है। जब आपकी बीवी घर पे नहीं होती ना, तो कपड़ों का यही हाल होता है। लड़के ऐसे ही होते हैं गाइस, कमेंट करके बताना। देखो किचन का हाल देखो कितना गंदा हो रखा है। अभी मेड आएगी, वो साफ करके जाएगी, उससे पहले अपन बनाते हैं अपनी डाइट। इनसे आगे डाइट वाइट ले ली, याद है जब मेरी बुलेट गंदी थी, और अभी आपको दिखाता हूँ गाड़ी की हालत देखो, पूरी धूल मिट्टी जमी हुई। पहले घर पे चलते हैं, कुछ काम है, फिर उसके बाद कार वॉश करवाएंगे। इतने दिन डाइटिंग करते करते हो जाते हैं ना, तो भी है ना भाई, भूख बर्दाश्त नहीं होती, और बहुत गंदी वाली क्रेविंग होती है, ज्यादा क्रेविंग होती है ना, और सोनम नहीं होती। मम्मी के हाथ की बनी हुई रोटी खाने के लिए आ जाता हूँ, तो एक रोटी खाऊंगा ज्यादा नहीं। बना रखा मम्मी आज आपने चावल कड़ी, ज्यादा डाल के मत लाना, कड़ी डाल के लाना थोड़ी। अभी मैं अपने घर पे आया हुआ था, और आप लोगों के साथ मैं ना एक चीज शेयर करने वाला था। अगर किसी के घर में किसी को अगर डायबिटीज है, या प्री डायबिटिक है, या फिर डायबिटीज बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे, उनको एक चीज बहुत ज्यादा हेल्प करती है, वो है ग्लूकोमीटर, जिससे वो अपने ब्लड शुगर लेवल्स को नाप सकते हैं। तो गाइज, मेरे घर के अंदर मेरे पापा को शुगर तो नहीं है, लेकिन बॉर्डर लाइन पे है, तो कई बार शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है। आज मैंने उनके लिए अगारो का ग्लूकोमीटर मंगाया है, जो कि सच में बहुत ही औसम है। तो चलिए उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये एक कैरिंग केस के साथ में आता है, जिससे आप इसको ट्रैवलिंग में ले जा सकते हैं। इसके अंदर आपको मिल जाती है एक ग्लूकोमीटर मशीन, इसके साथ आपको एक बैटरी भी मिल जाती है, एंड आपको मिलेंगे 50 pieces टेस्ट स्ट्रिप। स्ट्रिप पर एक एरो दिया है, और ये एरो वाली साइड जाएगी ग्लूकोमीटर मशीन के अंदर, और दूसरी साइड में है ब्लड सैंपल। इसके साथ मिलते हैं 50 pieces नीडल्स। इन नीडल्स का यूज होता है ब्लड शुगर लेवल की टेस्टिंग के लिए। टेस्ट स्ट्रिप एंड नीडल्स खत्म हो जाती हैं, तो आप इन्हें मंगा भी सकते हैं। ये है लांसिंग डिवाइस, जिसका यूज पियर्सिंग के लिए होता है। इसको ओपन करके आप इसके अंदर एक निडल डाल सकते हैं। निडल स्किन में कितनी अंदर तक पियर्स होनी चाहिए, उसके लिए यहाँ पर लेवल्स दिए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 से लेकर 5 लेवल्स हैं, 5 सबसे ज्यादा है। बैक साइड में एक कोकिंग कंट्रोल दिया है, जिसको खींचने पर ये ऑरेंज बटन ऊपर आ जाता है, जिसको प्रेस करके नीडल को आगे की तरफ रिलीज किया जाता है। इसमें दिए गए एस बटन से आप वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। एम बटन को यूज करके आप फर्स्ट टाइम डेट एंड टाइम सेटिंग्स कर सकते हैं। सेटिंग पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाने के बाद एम बटन को लॉन्ग प्रेस करें। इसके यूजर मैनुअल में इसके सारे यूसेज की जानकारी मिल जाएगी। तो गाइस, चलो इसको मैं यूज करके दिखाता हूँ। तो इसमें डालेंगे लैंसेट नीडल, इसको अच्छे से प्रेस करें, और ऊपर से गोल वाले हिस्से को घुमाकर निकाल दें। इसके अंदर है निडल, एंड वापस इसको बंद कर दें। 1 to 5 में से कोई एक वैल्यू सेलेक्ट कर ले पियर्सिंग के लिए। यहाँ पर मैं 3 सेलेक्ट कर लेता हूँ। रिलीज बटन सेट करने के लिए कोकिंग कंट्रोल को पीछे खींचे। अब ये लैंसेट रेडी है टेस्टिंग के लिए। जहां से भी आप सैंपल ले रहे हैं, इसको अल्कोहल से क्लीन कर ले, और फिर लैंसेट डिवाइस को रख कर रिलीज बटन को प्रेस करें। पियर्सिंग बिल्कुल आराम से हो गई, और पता भी नहीं चला। लांसिंग के बाद आप स्किन को इस तरह से दबाएं ताकि ब्लड की ड्रॉप ऊपर आ जाए। ग्लूकोमीटर को ऑन करें, इसको बिना ऑन करे भी आप इसके अंदर स्ट्रिप डाल सकते हैं। ग्रीन साइड ऊपर और एरो नीचे की तरफ रहेगा। अब एस बटन पे क्लिक करके आप टेस्ट टू टेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल सॉल्यूशन टेस्ट, बिफोर मील टेस्ट, आफ्टर मील टेस्ट। मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ आफ्टर मील टेस्ट। ऊपर का ये इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, तो आप टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट स्ट्रिप के बॉक्स पर आपको एक कोड दिख रहा होगा, इसको आप मैच करें, और ये कोड सेम होना चाहिए। अब टेस्ट स्ट्रिप को आप इस तरह से ब्लड सैंपल से टच करें, एंड विद इन 5 सेकंड्स आपको ब्लड शुगर लेवल डिस्प्ले हो जाएंगे।
ये ब्लड शुगर एक नॉर्मल है, इसलिए यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर एक्टिवेट नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको और भी इंडिकेटर मिल जाएंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल है या नहीं। ब्लड शुगर लेवल हो जाने के बाद टेस्ट स्ट्रिप और नीडल को डिस्पोज कर दें। इसमें मेमोरी फंक्शन भी है, ये 180 रीडिंग सेव कर सकता है। अब इसमें रीडिंग नहीं है, वरना आप इस बटन को प्रेस करके 7, 14, 21, 28 डेज की एवरेज को देख सकते हैं इस ग्लूकोमीटर की मदद से। गाइस, इस तरीके से ब्लड शुगर लेवल का रिकॉर्ड रखा जा सकता है। जिसके घर में किसी को भी डायबिटीज है या फिर प्री डायबिटिक है या डायबिटीज बॉर्डर लाइन पे, उनके लिए तो ये अगारो का ग्लूकोमीटर बहुत ही काम का है। गाइस, आई हाईली रिकमेंड कि अगर आपके घर में भी किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो आप भी अगारो का ग्लूकोमीटर जरूर ट्राई करें। तो इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप बाय कर सकते हैं। कड़ी ज्यादा डाल देना लेकिन चावल कम, ठीक है? चावल कम क्यों? मैं डाइटिंग पे चल रहा हूँ ना, वैसे मैं डाइटिंग में क्या भूखा रहेगा क्या? मैं रोटी खाने के लिए आया था लेकिन मेरी रोटी नहीं है, तो चलो कोई नहीं, चावल खा। रोटी आटा तैयार है, अभी 2 मिनट लगे। कोई नहीं, मैं चावल दो खा पतली पतली। ना ना, अब चावल खा लूंगा मैं। कड़ी और चावल मेरे बहुत फेवरेट है। ये देखो गाइस, कड़ी और चावल, इनकी तो बात ही कुछ और है। और ये देखो आर्यन, हमें इसकी शादी वादी करवा दो ना। शादी को नहीं करवाती, शादी वादी सारा काम कंप्लीट कर दे, करे तभी तो तैयार भी तो होना चाहिए ना। कौन है आखिर तेरी सपनों की राजकुमारी? मम्मी कल ड्यूटी जाना है मुझे, चाय तो पी ले। नहीं नहीं, चाय नहीं पीऊंगा, ड्यूटी तो जाना ठीक है पड़ेगा। चाय अपने भाई को पिलाओ प्यार से, भाई को पिलानी पड़ेगी। मम्मी आप इसके लिए एक बहू और ढूंढो आप हैं। अरे कैसी बहू ढूंढी, चली गई बड़ी बहू। मेरे मामा को पिछली वीडियो में कुछ लोग देखे करते, इट्स टू स्केरी गाइस। आज भी अगर ये बाल और बाल काले कर ले और दाढ़ी मुंडवा दे तो ये बिल्कुल ठीक लगता है, ये अपनी हालातों से ऐसा हो रखा है। तो गाइस अभी चलते हैं भाई, एक बार गाड़ी धुलवा देते हैं। गाड़ी बहुत ज्यादा गंदी हो रही है अपनी, और मामा है ना शादी के नाम से एकदम ब्लश करने लग जाता है, बिल्कुल गुस्सा हो जाता है, उसके चेहरे पे एक नई चमक आ जाती है। तो गाइस बाहर शीशे इतने गंदे हो रहे हैं कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो बाहर सर्विस सेंटर में तो क्या धुलवाना, अपने पास फैसिलिटीज है। सीधा अपने ऑफिस में चलते हैं और वहीं गाड़ी को धुलवाएंगे। सो गाइस अभी ऑफिस में आ गए भाई, और ऑफिस में अपनी गाड़ी धुल रही है, ये बिल्कुल गंदी हो रखी है गाड़ी, आप देखो एकदम बद से बदतर हो रखी है। अभी थोड़ी देर के अंदर गाड़ी चमक जाएगी, फिर आपको दिखाऊंगा। जो लड़का है अपना दिल्ली पुलिस का एक कुक है, बहुत मेहनती लड़का है। बंगाली बाबू, बंगाली बाबू, बाबू मुशाए। ये बता आसिफ, तुम्हारे लैंग्वेज में आई लव यू को क्या बोलते हैं बंगाली में? हम तुम्हारे भालोवासी, ठीक है। और गले मिलने को क्या कहते हैं? गले मिलने को, हाँ मैं तुमसे गले मिलना चाहता हूँ, इसको क्या बोलेंगे? हम तुम्हारा गोला लग पे जाए। ये गाइस बड़ी फनी लैंग्वेज लगती है मुझे बंगाली। वैसे मैं ना आसिफ से सीख रहा हूँ थोड़ी थोड़ी बंगाली में, है ना, मेरे को नए नए वर्ड सिखाता रहता है। तो गाइस गाड़ी देखो भाई, एक बार बिल्कुल चमका दिया अपन ने, कुल मस्त वाली चमक गई है। अब बस इसको सुखाना बाकी है और फिर चलते हैं। तो गाइस गाड़ी धुल गई है, और अपनी गाड़ी धुलने के बाद है ना मन को अच्छा सा सुकून सा मिल जाता, वरना इतनी गंदी गाड़ी हो रखी थी अंदर और बाहर से भाई, इतनी धूल मिट्टी जम गई थी। गाइस गुड मॉर्निंग, तो व्लॉग को दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं गाइस, क्योंकि व्लॉग कंटिन्यू नहीं हुआ था। और अभी कुछ सीन ऐसा है कि मुझे जाना पड़ रहा है ड्यूटी पे, क्योंकि ये जो किसान आंदोलन की वजह से हमारी 12-12 घंटे की ड्यूटी नाइट और डे में लग रही है। पहले मेरी नाइट चल रही थी, तो अभी मेरी डे चल रही है। और भाई अभी ऑलरेडी टाइम 7:30 बज गए, रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे का था, लेकिन कोई नहीं, 8:30-9 बजे तक भी पहुंच जाएंगे, चल जाता है अपना तो। क्योंकि हमेशा क्लास में एक ऐसा बच्चा होता है जो लेट आप पहुँचता है हर चीज़ में, तो उसी में से मैं एक हूँ। सुबह भगवान जी के दर्शन कर लिए, सुबह सुबह उठ के भाई मंदिर जाते हैं ना वो लोग, उनको कितनी अच्छी पॉजिटिविटी आती होगी। तो गाइज अभी गाड़ी के अंदर रेंज दिखा रहा है 18 किलोमीटर, यानी कि गाड़ी 18 किलोमीटर और चलेगी और फिर हो जाएगी उसके बाद बंद। तो बात ऐसी है, मैंने ना इसका मतलब टैंक मतलब जीरो होने के बाद भी मैंने इसका रियल माइलेज टेस्ट कर रखा है, लेकिन वो कर रखा है हाईवे पे, तो हाईवे पे ये 130-140 किलोमीटर 150 किलोमीटर तक चल जाती है। अगर आपके पास भी ये गाड़ी है या फिर इस सेगमेंट से एक ऊपर गाड़ी भी, जैसे क्रेटा है, सेल्टोस है, तो ये गाड़ी 100 किलोमीटर भी आराम से सिटी में चल जाती है बिल्कुल 0-0 होने के बाद भी, तो टेंशन लेने की और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आसपास पेट्रोल पंप है तो पेट्रोल डलवा लो, ठीक है? क्योंकि मेरे साथ एक बार ये सिचुएशन हुई थी, तो मैंने फिर ट्राई करके देखा तो गाड़ी आराम से 130-140 किलोमीटर तक चल जाती है, फिर उसके बाद झटके मारती है हल्के हल्के से। तो गाइज हमारा सारा स्टाफ यहाँ पे डिप्लॉयड है और यहाँ पे हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। तो गाइज जो अभी ड्यूटी है भाई, मुकरबा चौक लगी हुई है और यहाँ पे अभी हमारी लोकेशन है, और धूप इतनी ज्यादा हो रखी है, अभी रिजर्व ड्यूटी है, लेकिन यहाँ पे रहना पड़ता है 12 घंटे के लिए भाई। तो ये जो सामने देख रहे हो ये हमारा पॉइंट है। तो गाइज ड्यूटी से जुगाड़ कर करा के अपन निकल गए हैं सीधा जयपुर के लिए,
भाई छुट्टी वगैरह तो थी नहीं, लेकिन बस कर लिया। आपके भाई ने कैसे तैसे जुगाड़ी बंदा है आपका भाई बहुत, तो अभी निकल गए भाई जयपुर के लिए। मैं आज ड्यूटी पे गया था मॉर्निंग में, फिर उसके बाद सीधा वहीं से ही मैं निकल गया जयपुर के लिए। वैसे मेरा अरेंजमेंट का आज लास्ट डे था, तो अभी इंडिया से मिल रहा हूँ मैं। करीबन मैं 22 को आया था, और आज डेट देख लो, आज 10 तारीख। अब मान के चलो कि इतने दिन बाद, मैं इतने दिन बाद में निया से मिलूंगा, तो निया का रिएक्शन तो कुछ नहीं है। वैसे वीडियो कॉल पे तो बात ही नहीं करती, तो मैं जब जाऊंगा ना जयपुर तो आपको दिखाऊंगा। वो कैमरे में देख के, मतलब कैमरे में तो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, बिल्कुल सामने से ही वो रिएक्ट करती है। और गाइज अभी सनसेट हो रहा है, और अभी यहाँ से जयपुर है 125 किलोमीटर, 125-130 किलोमीटर है। जब ये NH8 वाला जो रोड था ना, मतलब ये बनने लग रहा है अभी, तो इसको आप मत ही प्रेफर करो आने जाने के लिए। मैंने तो आज जस्ट ट्राई कर लिया, मेरे को कहीं जल्दी नहीं थी, तो मैंने सोचा आज इस वाले रोड को लेके देखता हूँ। तो इस रोड, ये रोड बहुत ही अच्छा कर दिया है कहीं कहीं से, लेकिन अभी कई जगह इस पे फ्लाईओवर बन रहे हैं और अच्छे रोड बन रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत जैम लग जाता है। तो यूजुअली जहाँ आपको जयपुर जाने में 5 घंटे लगते थे, वही इस रोड से आपको 6.5 घंटे भी लग सकते हैं, तो 1.5 घंटा एक्स्ट्रा मान के चलना। एंड गाइज आंखों में नींद देखो, 2 दिन से अरेंजमेंट कर करके ना आंखों में नींद भरी हुई है। तो जयपुर में जाके अच्छे से खा के निया के साथ खेलूंगा, बढ़िया नींद पूरी करूंगा, और कल से 4-5 दिन तक आपको लगातार बढ़िया वाले ब्लॉग देखने को मिलेंगे। गाइज वो सामने जो दिख रहा है आपको, वो है बिरला मंदिर। शाम को तो, रात को तो बहुत ही मस्त लगता है, जाना जरूर। तो गाइज फाइनली घर पहुंच चुके हैं, अब गाड़ी लगाते हैं पार्किंग में और चुपचाप चलेंगे सीधा अंदर। वैसे तो गाइज अभी है ना घर पे पहुंच चुके हैं, और निया को मैं चॉकलेट देता नहीं हूँ, लेकिन यार अब इतने दिनों बाद मिले तो चॉकलेट दे ही देते हैं, क्योंकि ज्यादा चॉकलेट खिलाने से बच्चों के दांत खराब हो जाते हैं, इस वजह से मैं निया को बिल्कुल नहीं देता। आ गया, मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, आते ही भगता हुआ है। पुच्ची तो चिपक गई, आते ही देख दी इस गाल पे भी। तो पापा पता है आपके लिए क्या लाए? चॉकलेट, पापा ने बोला था ना। वाह, पापा ने प्रॉमिस किया था ना। अब पुच्ची दे दो, कर लो पापा को। खराब निकल गया। देखो, 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 देखो। वही मैमी पोको पैंट्स अभी नानो को नहीं, किसी को भी नहीं पिटने देती है। ये देखो, नानी को बहुत मारती है। निया, 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 ये देखो मम्मा को मार रही है, मम्मा को मार रही है। अभी अभी रुक, अभी अभी रुक, अभी रुक नानी, अभी बताती हूँ। शक्ल देखो इसकी, शक्ल देखो इसकी, ये देखो। ये टीवी में पिटाई होगी नानी, स्लो मो देख लिया टीवी में, तो उसकी तरह कर रही थी। हाँ हाँ, बढ़िया कर रही है। कैसे करे बेटा? धीरे 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 धीरे। ये कैसे करता है वो? ऐसे ऐसे कैसे करता है तूने? सिर्फ पापा मैं करता हूँ। एक बार और कर, कूले कैसे? नहीं, स्लो मोशन में आना, धीरे धीरे धीरे, देखो स्लो मोशन, स्लो मोशन में। सो गाइज ट्रैवलिंग कर करके आज मेरी हालत ख़राब हो गई। पहले दिल्ली में 2-2.5 घंटा ट्रैवलिंग करी, फिर उसके बाद में जयपुर आ गया, और अब मैं पूरा तरीके से हो चुका हूँ, टायर्ड, थक गया मैं भाई। अब मैं जाने वाला कहीं और नहीं जा रहा, सोने जा रहा हूँ। तो अब सो जाते हैं, बाकी ब्लॉग कल कंटिन्यू करेंगे, एंड अब आपको रेगुलर ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, चाहे मैं कहीं पर भी रहूँ। अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ ड्यूटीज़ की वजह से, तो सोनम यहाँ पर ब्लॉग शूट करेगी, एंड वहाँ पर मैं रहता हूँ तो वहाँ पर ब्लॉग शूट करेंगे। क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि भैया आप रेगुलर व्लॉग्स नहीं डालते, काफ़ी लंबा गैप हो जाता है, जिस वजह से काफ़ी लोगों ने देखना भी मतलब कम कर दिया। लेकिन अब मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको कि हम रेगुलर व्लॉग्स करेंगे, अल्टरनेट डेज में तो डेफिनेटली डालेंगे, अगर हो सकेगा तो हम डेली व्लॉग्स भी डालेंगे। तो बाकी कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को कल, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थक गया, ज़्यादा व्लॉग शूट भी नहीं कर पाया। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हुई। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, एंड वीडियो को लाइक करें, एंड अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ के जाएं। मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूं, एंड सभी कमेंट्स लाइक भी करता हूं जब मुझे टाइम मिलता है। तो जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।